वेलकम टू माय चैनल हेल्दी होम रेस्टो। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा, जो कि बहुत ही टेस्टी और लजीज एक डिश होता है। तो मटन कोरमा का रेसिपी देखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मटन कोरमा की तैयारी कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मटन कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है, इसमें सरसों का तेल डाला हुआ है। सरसों के तेल में ही ये रेसिपी बनाएं तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे तेल खूब गर्म होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने ये प्याज के ऐसे लंबे लंबे जो स्लाइसेस में काट के रखे हुए हैं। तेल को जो है, ये प्याज को हमें फ्राई करना है, तो तेल इसी हिसाब से डालेंगे कि हमें इसमें फ्राई करके निकालना है। तो फ्राई को हमें बहुत क्रंची होने तक जो प्याज को कर लेना है इसमें फ्राई। और ये मतलब मटन कोरमा जो है शादी ब्याह में बेसिकली बनता है, तो मैं घर पे बना रही हूँ प्रॉपर। तो आपको मतलब आप मुझे बताएंगे कि कैसी बनी है, कैसा बना है। तो यहाँ पर मैं तेल को पहले गर्म कर लेती हूँ। तेल जो है गर्म हो गया है, अब यहाँ पे प्याज को हमें डालना है तेल में। यहाँ पे मैंने 1 किलो प्याज लिया हुआ है, इसके लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिए हैं। तो कढ़ाई जितनी बड़ी हो उसी हिसाब से प्याज डालेंगे। तो 2 ट्रिप में डाल के हम यहाँ पे मैंने आधी प्याज कढ़ाई में डाली हुई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कढ़ाई रखी हुई है पूरा एक साथ नहीं आ रहा है। तो ये फुल फ्लेम पे ही हमें इसको तलना है। एक तरह से जैसे पकौड़े को तलते हैं ना, वैसे हमें प्याज को तल के निकाल लेना है। जो मैंने प्याज को डाला था वो भी ऐसे हो गया है, तो इसको हम ऐसे ही करके निकालेंगे। और जो आधा हिस्सा बचा था उसको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो मैंने ऐसे जाली में रखा है ताकि तेल जो है वो बाहर आ जाए, फिर इसको हम प्लेट में रख देंगे। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है मटन कोरमा के लिए, तो इसमें 1 कटोरी सरसों का तेल लिया हुआ है। बेसिकली मटन कोरमा जो है बहुत लोग घी में बनाते हैं, तो मैं घी बाद में ऐड करूँगी, सरसों के तेल में बना रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो कोई भी कुकिंग ऑयल या घी में ही बना सकते हैं। तो 1 कटोरी तेल मैंने डाला है सरसों का, जो कि अच्छे से गर्म हो गया है। और इसमें हम डालेंगे, गैस को भी स्लो रखेंगे क्योंकि तेल गर्म है। इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, तो यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता लिया हुआ है, कुछ लौंग लिया हुआ है, कम से कम 10 से 12 लौंग है, और 5 से 6 हरी जो इलायची आती है छोटी वाली वो है, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, और 2 बड़ी इलायची है, और 2 ये कश्मीरी साबुत लाल मिर्च है, और ऐसे कुछ 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं, और 1 चम्मच साबुत जीरा है। ये सारे जो साबुत मसाले होते हैं तेल में पहले हम इसे डाल देंगे। ये कुछ सेकेंड के लिए, लगभग 15 से 20 सेकेंड के लिए मैंने मीडियम गैस पे जो साबुत अभी खड़े मसाले जो डाले हैं उसको मैंने हल्का सा भून लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये 1 किलो मटन है, 1 से 1.25 किलो के बीच में मटन है। तो मटन को मैंने भून के अच्छे से इसको रख दिया है प्लेट में, अब इसमें हम डाल देंगे। मटन को मैंने अभी इसमें डाला हुआ है, और गैस को यहाँ पे मीडियम रखते हैं, और इसको लगभग करीब 5 से 7 मिनट तक हमें खड़े साबुत मसाले में अच्छे से इसको भून लेना है। यहाँ पे लगभग 7 से 8 मिनट तक मैंने साबुत मसाले में ही मटन को ऐसे चलाते हुए भून लिया है, गैस मीडियम है, फिर मैंने कुछ देर के लिए फुल फ्लेम पे भी किया था। हरी मिर्ची मैं यहाँ पे ले रही हूँ, करीब 6 से 7 हरी मिर्ची है, 20 से चीरा लगा के इसमें डाल देंगे, और अभी गैस को स्लो रखेंगे क्योंकि इसमें हमें मसाले ऐड करना है। यहाँ पे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये अदरक लहसुन पेस्ट वो डाल देंगे। अब यहाँ पे नमक को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं अभी 2 टीस्पून नमक ले रही हूँ, और नमक बाद में देखेंगे। 2 टीस्पून नमक ले लिया। यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल देंगे। मसाले डालते समय गैस का जो फ्लेम है आप सिम ही रखें, उसके बाद में फिर हम इसमें तेज करेंगे। और यहाँ पे गरम मसाला 1 चम्मच। मसाले जो मैंने अभी इसमें डाले हैं मटन कोरमा में, वो सारे मसाले मैंने घर पे बनाए हुए हैं, तो होममेड मसाला मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो पैकेट के मसाले आते हैं मटन मसाला, चिकन मसाला, तो यहाँ पे मैंने मीट मसाला लिया हुआ है, तो 2 चम्मच ये मसाला है, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसको मसाले डालने के बाद से इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले डालने के बाद से इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, चला दिया है। अब इसको क्या कर देंगे, गैस को यहाँ पे हम मीडियम रख देंगे,
और इसको ढक्कन से हल्का सा थोड़ा सा खुला रखेंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें इसको भून लेना है। कोरमा के लिए जो मैंने यहाँ पे प्याज जो फ्राई करके रखा हुआ है, ये कलर आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब पिक्चर इसका बहुत सही आया है। अब इसको यहाँ पे मुझे इसका पानी नहीं डालना है, इसको बस मिक्सर में डालना है, एक जार में डालेंगे और इसको मिक्सर चला देंगे। जो प्याज को यहाँ पे मैंने रखा हुआ था फ्राई करके, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसका चम्मच से चला के थोड़ा सा, ये बहुत इजीली नहीं होता है लेकिन चम्मच से बार बार चला के करेंगे बिना पानी के तो हो जाएगा। अब जो यहाँ पे मटन फ्राई हो रहा है, भुन रहा है, उसमें हम यही प्याज जो है डाल देंगे। प्याज का पेस्ट डालने के बाद से इसको अच्छे से चला लेना है। कलर अब बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसको अच्छे से पहले चला लेते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दही लिया है, इसको चम्मच से अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हमें डालना है मटन में, तो मटन का जो अभी जो गैस है इसको मैंने एकदम स्लो कर दिया है, क्योंकि जब कभी भी किसी भी चीज़ में, गर्म चीज़ में अगर आप दही डालते हैं तो पहले गैस को पहले स्लो कर देते हैं और इसमें हम डाल देंगे दही। दही डालने के बाद से इसको पहले जल्दी से हमें मिक्स कर देना है, ताकि दही जो है फटने का डर होता है। और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी का अभी तक मैंने कहीं भी एक चम्मच भी इस्तेमाल नहीं किया है। मटन धुल के भी थोड़ा सा इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे पानी बिल्कुल निकल जाए, तो इसको पहले अच्छे से चला लेते हैं। डालने के बाद से मैंने इसको गैस को मीडियम कर दिया है और तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, कहीं भी दही मतलब ऐसे दिख नहीं रहा है। और इसको कम से कम मीडियम गैस पे हमें 5 से 7 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए ऐसे ही भून लेना है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं भून के इसको, तो ये जो है पूरा मसाले आप देख सकते हैं, ये पूरा कलर मतलब तेल जो है छोड़ रहा है। इसका कोरमा का यही होता है कि जो पूरा जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा ऐसे आता है, रफली रफली आता है। तो मटन बहुत अच्छी तरीके से पूरा जो मसाले में कोट हो गया है, लेकिन इसका इसको अभी हमें पकाना है। तो पकाने के लिए अब हम यहाँ पे पानी इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे 1 कप पानी डालेंगे और फिर इसका सीटी लगा देंगे, 3 से 4 सीटी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है, अब इसको चला देंगे। अब इसको गलने तक, जब तक कि मटन ही पक नहीं जाता है तब तक इस पर हमें 3 से 4 प्रेशर लगा के फिर चेक करना पड़ेगा कि मटन पक गया है कि नहीं। अब यहाँ पे ढक्कन लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू के टुकड़े हैं पानी में, 2 चम्मच पानी में मैं भिगो के रखा हुआ है। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। मटन कोरमा बन के रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। ये यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर देख के खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पे जो मैंने काजू के जो पेस्ट बनाए हुए थे वो इसमें डाल देंगे। गैस को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है, इसमें डाल देंगे और इसको चला के कम 5 से 7 मिनट पे मीडियम गैस पे इसको हल्का सा हमने बस भून लेना है। काजू का पेस्ट डाल के मैंने चला दिया था, अब इसको 5 से 6 मिनट तक मैंने ऐसे मीडियम आँच पे पका लिया है। अब यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और ये मटन कोरमा बन के रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं ढक के। अब यहाँ पे मटन कोरमा को मैं यहाँ पे बाउल में सर्व कर दे रही हूँ। इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मटन कोरमा बन के तैयार हो गया है, इसकी ग्रेवी मैं ऐसे प्लेट में दिखा रही हूँ। मटन कोरमा आप अपने घर पे बनाइए और खाइए, कुछ भी कमेंट बॉक्स मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर मटन कोरमा की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।